आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उस पर मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में बेशक मुख्यमंत्री का पद शिवराज सिंह चौहान को ना मिला हो, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। और इसी बीच में एक बड़ा ऐलान भी करते हुए नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना को लेकर ये कहते हैं कि यहाँ पर जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इन अफवाहों पर ध्यान ना दिया जाए। उन्होंने कहा है कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी और इसी के साथ साथ ये कहा है कि केंद्र सरकार ने उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस जिम्मेदारी का पालन वो करते हुए नजर आएंगे। क्या कुछ शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं देखिए जरा। अध्यक्ष जी जैसा तय करेंगे, सर ये भी कहा जाए, जिस भी भूमिका में वो रखेंगे तो मैं कहाँ रहूँ ये कभी नहीं सोचता। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से देश की सेवा कैसे कर पाऊँ और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के मिशन को कैसे आगे बढ़ा पाऊँ, उसी काम में मैं निरंतर लगा रहूँगा। मंत्रिमंडल के गठन के संबंध में भी उनके साथ चर्चा हुई है, सलाह मशवरा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी मंत्रिमंडल का गठन होना है। आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी जो वो भूमिका तय करेंगे उसमें मैं काम करूंगा। एक मेरा मिशन है। अब मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते चूंकि मैं विधायक हूँ, वो मेरे भी नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं होता, वो योग और कर्मठ कार्यकर्ता है। तो मेरी दिल से ये इच्छा है कि हमने जिन कामों को मध्य प्रदेश में आगे बढ़ाया, बीमारू राज्य से विकसित मध्य प्रदेश बनाया, उसको समृद्धि की तरफ और ऊंचाइयों पर मोहन यादव जी ले जाएंगे, ये मेरा भरोसा भी है। आपको बता दें कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में कुछ ही समय बाकी है या कहीं कुछ ही महीनों का समय बाकी है, तो ऐसे में बड़े बड़े चेहरों पर दांव खेला जा रहा है। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी उस कड़ी में नजर आते हैं और ऐसे में देखा जाए तो दक्षिण में पार्टी के अभियान में हिस्सा लेने के लिए शिवराज सिंह चौहान को उतारा गया है। यानी कि मध्य प्रदेश की बात करें तो दक्षिण में यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को उतारा जाएगा लोकसभा चुनाव को देखते हुए। अब देखना होगा, ये बड़ी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान निभाते हुए नजर आते हैं। शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से खुश किया गया है बरकरार रहता है या फिर नाराजगी का सिलसिला अभी और आगे ज्यादा नजर आ सकता है, क्या कुछ कहना है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।